कक्षा 12 विषय गणित इकाई 4 सारणी प्रश्न सारणी के अवयव पहले स्तंभ के 3A ए ऋण बी ए ऋण सी, दूसरे स्तंभ के बी ऋण ए 3B बी ऋण सी, तीसरे स्तंभ के सी ऋण ए सी ऋण बी 3C बराबरी से 3 कोष्टक में ए धन बी धन सी, दूसरे कोष्टक में ए बी धन बी सी धन सी ए। दिए गए पद को सिद्ध करने के लिए हम कौन सा पक्ष LHS लेंगे। LHS हमारे पास है 3A ए ऋण बी ए ऋण सी पहले स्तंभ के अवयव, दूसरे स्तंभ के अवयव हमारे पास है बी ऋण ए 3B और बी ऋण सी, तीसरे यहाँ हमारे पास तीसरे स्तंभ के अवयव है सी ऋण ए सी ऋण बी और 3C। अब हम यहाँ जो संक्रिया लगाने जा रहे हैं वो संक्रिया होगी कि कॉलम एक धन कॉलम 2 धन कॉलम 3 के अवयव को क्या कर दो, जोड़ दो। ऐसा करने से हमारे पास किस में 3A में बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए दोनों जुड़ जाएंगे, किस में ए माइनस बी में 3B प्लस सी माइनस बी जुड़ जाएंगे, ए माइनस सी में क्या बी माइनस सी प्लस 3C जुड़ जाएगा। बाकी स्तंभों में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस बी 3C। 3A में से जब ए ऋण ए दो घट जाएंगे तो क्या बचेगा ए और बचा बी धन सी। यहाँ भी ध्यान दीजिए 3B में से 2B घट जाएंगे बाकी तो सब, तो क्या होगा यहाँ भी ए धन बी धन सी। 3C में से सी और सी घट जाएंगे, 2C घट गए तो सी बचा, शेष बचे ए धन बी धन सी। बी ऋण ए 3B सी माइनस ए सी माइनस बी 3C। पहले स्तंभ से हम क्या ए धन बी धन सी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एक एक एक, ये बी माइनस ए 3B, ये होगा बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस बी 3C। सभी से कॉमन लिया था पहले स्तंभ से ए धन बी धन सी, इधर साइड या इधर साइड कहीं भी हम इसको लिख सकते हैं। पुनः हम संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया कौन सी R2 में से R1 को घटा देंगे तथा पंक्ति नंबर 3 में से भी किसको पंक्ति नंबर 1 को ही घटाएंगे, तो इसके बाद जो आपको अवयव मिलेंगे कुछ इस प्रकार से, ये ABC जो बाद में लिखे हम उसको पहले लिख सकते हैं, बाद में इससे ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं आता, सीधे घटा के डायरेक्ट लिख देना चाह रहे हैं अपन। पहली पंक्ति के अवयव 1 बी ऋण ए सी ऋण ए, दूसरी पंक्ति के अवयव होंगे हमारे पास 3B में से जब बी ऋण ए को हम घटाएंगे, सबसे पहले 1 में से 1 घटा तो 0 हो गया, 3B में से बी घटेगा तो 2B, ऋण ए घटेगा तो धन ए, सी ऋण बी में से
सी ऋण ए को घटाना, तो सी से सी तो घट जाएगा, ऋण बी और तो इन अवयवों को देखो क्या सी ऋण बी में से सी ऋण ए को घटाएंगे तो सी तो घट जाएगा, ऋण बी ऋण ऋण धन तो क्या हो जाएगा ये ए ऋण बी, एक में से एक घटा तो शून्य, बी ऋण ए को इसमें से घटाएंगे तो बी से बी घट जाएगा, ऋण ए किसे में बदल जाएगा धन में, तो यहाँ क्या बचेगा ए ऋण सी। ऐसे ही तीन सी में से सी को घटाएंगे तो बचेगा दो सी, ऋण ए बदल जाएगा धन ए में। डायरेक्ट अपन ने घटा के इन अवयवों को क्या कर दिए लिख दिए। अब अगली स्टेप देखिए, अगली स्टेप में हम इसका इस एक के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, ए धन बी धन सी। एक पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, उसके सापेक्ष विस्तार जब इसको हम लिखेंगे तो माना आएगा दो बी धन ए, ए ऋण सी, ए ऋण बी, दो सी धन ए। मान को देखिए, मान हमारे पास ए धन बी धन सी, दो बी धन ए में, दो बी धन ए में किसका दो सी धन ए का गुणा हो जाएगा, ऋण किस में ए ऋण सी में ए ऋण बी का गुणा हो जाएगा। अगली स्टेप देखिए, ए धन बी धन सी, ब्रैकेट के अंदर वाले पदों को देखें तो दो बी का किस में गुणा होगा दो सी में, तो गुणा होके दो दुनी चार बी सी, दो बी का ए से गुणा होगा तो दो ए बी, ए का दो सी से गुणा हुआ दो ए सी, ए का ए से गुणा हुआ तो ए स्क्वायर, तो यहाँ मान आएगा प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस साइन, ये माइनस साइन यहाँ लगा, इनका हल यहाँ लिख रहे हम छोटे ब्रैकेट, ए का ए से गुणा ए स्क्वायर, ए का ऋण बी से गुणा ऋण ए बी, ऋण सी का ए से गुणा ऋण ए सी, ऋण सी का ऋण बी से गुणा ऋण ऋण धन बी सी। मान देखिए, ए धन बी धन सी, ब्रैकेट के अंदर ये है चार बी सी, लेकिन ये धन बी सी, ये धन बी सी, ये धन बी सी ऋण बी सी में बदल जाएगा ऋण बी सी, धन दो ए बी ऋण ऋण धन, दो ए सी ये ऋण ए सी ऋण गुणित ऋण धन ए सी, धन ए वर्ग और ये ऋण ए वर्ग, जो बचेंगे पद उनको ध्यान से देखो तो ए धन बी धन सी, चार बी सी में से बी सी को घटाए तो क्या बचा तीन बी सी, दो ए बी में ए बी जुड़ गया तो तीन ए बी, दो ए सी में ए सी जुड़ गया तो तीन ए सी, और इस प्रकार से हम पाते हैं कि हम कौन सा पक्ष पर आ गए राइट हैंड साइड, तीनों पदों में तीन को कॉमन निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा ए धन बी धन सी, ब्रैकेट में चक्री क्रम में लिख लेंगे ए बी धन बी सी धन सी ए, और ये कौन सा पक्ष आ गया RHS, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।